नमस्कार दोस्तों। तो पॉलिटी का अपना जो है तीसरा वाला लेक्चर, तीसरा चैप्टर पे हम पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है चैप्टर का नाम है हमारा कि हमारे आर्टिकल्स क्या हैं, प्लस हमारा जो है मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे आर्टिकल्स क्या हैं, कितने शेड्यूल हैं, क्या पार्ट हैं। तो पार्ट्स एंड शेड्यूल्स करके जो है ये चैप्टर को हम इस तरह से बांट रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे हम आ रहे हैं, कितने क्या बने थे, और उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल एक एक चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे याद रखने का है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना है दैट इज़ इक्वल टू, एक तो प्रीएम्बल, ठीक है, ये अपना हो गया प्रीएम्बल, प्लस आपके 22 पार्ट्स हो गए, ठीक, और प्लस आपका आता है 12 शेड्यूल, ठीक है। तो 12 शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट हैं और प्रीएम्बल है। इन्हीं 22 पार्ट में जो है आपके कितने आर्टिकल हैं, तो इसमें 395 आर्टिकल हैं, ठीक है। तो प्रीएम्बल प्लस जो है 22 पार्ट जो हो गया जिसमें 395 आर्टिकल हैं, इन्हीं पार्टों में से डिफरेंट डिफरेंट करते हुए टोटल 395 आर्टिकल और टोटल 12 शेड्यूल। क्या ये ओरिजिनली इतना ही था? नहीं, ओरिजिनली जो है ये 12 शेड्यूल ना होकर के 12 की जगह पे जो है यहाँ पे सिर्फ 8 शेड्यूल थे, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा तब ये 8 शेड्यूल थे, 4 शेड्यूल बाद में ऐड हुए। जैसे कि पहला आपका जो ऐड होता है, 8 पहले थे, 9वां जो हुआ था ये आपका फर्स्ट सी ए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1952 के तहत ऐड किया गया, ठीक है। फिर इसमें क्या था, इसमें आपका जो है लैंड रिफॉर्म प्लस जो है डिफरेंट टाइप के वो एक्ट जिनको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं जा सकता था वो इसमें डाल दिए गए। 10वां जो है आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, इसके तहत। इसमें क्या था, अभी सर ने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, क्योंकि अभी जो है आपके विधायक जो है हटाए गए हैं लेकिन वो एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंधित नहीं हटाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये एक अलग चीज़ था, तो ये ऐड किया गया था, ये किसके द्वारा, 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। 11 क्या है, 11वां जो है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत, इसमें आपका क्या PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऐड किए गए थे। और 12वां जो ऐड किया गया वो आपका जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, और इसमें जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ को ऐड किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से शेड्यूल 8 ओरिजिनल थे और 4 इस तरह से बढ़ के इस समय कितने हैं, 12 हैं शेड्यूल। पार्ट कितने, 22 थे। आज भी पार्ट जो है ओरिजिनली, आज भी पार्ट जो है 22 ही हैं, लेकिन ऐसे देखेंगे तो पार्ट आपके जो है 25 के आसपास हो गए होंगे। जैसे कि ये आपका जो है पार्ट 4A करके बढ़ा दिया गया, ठीक है, पार्ट 9A 9B बढ़ा दिया गया। तो हुआ क्या है कि ऐसे पार्ट पढ़ाए गए हैं ए बी करके, लेकिन ओरिजिनल अगर देखेंगे तो 22 का 22 ही है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है 22, लेकिन कहीं पे अगर आपको ऑप्शन में 22 ना दे करके तब 25 या 26 दे रहा है तब आप उसको 25 मार दीजिएगा। ऑप्शन में 22 है ही नहीं लेकिन लिखा है कि टोटल पार्ट जो 22 है तो आप 22 मारिएगा, ठीक है। या फिर अगर ज़बरदस्ती वो ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहता है, आपको ऐसा लग रहा है उसकी लैंग्वेज है कि इस समय एग्जैक्टली कितने जो है आर्टिकल हैं, ठीक है, तब आप जो है 25 पे जा सकते हैं, सॉरी कितने पार्ट हैं तब उसको 25 पे। दूसरी बात, अब आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल बताया कि आर्टिकल जो है 395 है, ओरिजिनली भी 395 थे, आज भी नॉर्मली 395 ही हैं, लेकिन अगर ऐसे देखें एक दो करके जो बढ़े हैं तो उस तरह से जो है आर्टिकल हमारे जो है 428 मतलब 400 प्लस हो चुके हैं। कितने हो गए नहीं पता, 400 के ऊपर हो गए हैं, ठीक है। तो कैसे बढ़ने से कि तीन, अभी 279 कोई आर्टिकल था तो 279 ए करके ऐड कर दिया, ठीक है, 248 का ए करके ऐड कर दिया, 268 का ए करके, जैसे ये सब क्या हुआ, ये तीन के तीनों जो है आपका GST अभी बना, GST जो कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ना, तो 121वां संशोधन जो है 101वां जो है ये आपका GST था, उसके तहत जो है 3 से 4 आर्टिकल तो ऐसे ही चेंज हो गए, तो ठीक है। तो इस तरह से ऐड हुआ, लेकिन टोटल नंबर आज भी कितना है, 395 ही है वैसे वाला। अगर इंडिविजुअली कोई गिनेगा, इसको भी एक करके गिनोगे आप तो वो 400 प्लस है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं, स्पेसिफिक नहीं जाना है, इतना जान लीजिए बहुत है। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आप एक एक पार्ट पहले देख लेते हैं, फिर शेड्यूल देख लेते हैं, ठीक है, फिर चलते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक एक चीज़ को अंदर हम डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये हो रहा है कि पार्ट एक में क्या है, दो में क्या, ये चीज़ जानना है, ठीक है। चलिए तो तेज़ी से इसको ख़त्म करते हैं। पार्ट वन में क्या है अपने पास, पार्ट वन में जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है, और पार्ट वन में यूनियन और इनकी टेरिटरीज के बारे में, कि भारत एक जो है यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, ये कहाँ लिखा है, आर्टिकल वन में ही लिखा हुआ है पार्ट वन में, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है।
यही लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत विच इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये किस में आर्टिकल वन में लिखा है पार्ट वन में। तो यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में क्या क्या इसकी टेरिटरी है, कितने इसके स्टेट हैं, ये सब कुछ जो है आपका पार्ट वन में लिखा है। यानी कोई भी नया स्टेट बनता है, कुछ भी होता है, तो इसमें चेंज करके जो है नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पार्ट टू में क्या है। पार्ट टू जो है आर्टिकल पाँच से लेकर के आर्टिकल ग्यारह तक, आर्टिकल फाइव से इलेवन तक जो है पार्ट टू डील करता है। और पार्ट टू में सिटीजनशिप का मेंशन किया गया, सिटीजनशिप पूरी मेंशन है। ठीक है, इसमें जो है आपका आर्टिकल नंबर 11 साफ साफ बोलता है कि पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि वो जो है किसके लिए, वो जो है सिटीजनशिप के लिए कानून बना सकती है। और इसके तहत जो है पार्लियामेंट ने फिर कानून बनाया सिटीजनशिप एक्ट जो है आपका 1955, और इसी को अभी जो है संशोधन करके 2014 और 15 में फिर लाए थे। तो ठीक है, इसका टाइम टू टाइम संशोधन होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं पार्ट थ्री में क्या। पार्ट थ्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके इंडिविजुअल एक एक आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, इसको हमारे साथ डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक है। पार्ट थ्री में आर्टिकल 12 से 35 तक आता है और ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इसमें पार्ट थ्री में आता है, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। और ये सबसे बड़ी बात क्या, फंडामेंटल राइट्स जो है उसको आप कोर्ट में जा करके जो है उसके लिए जो है, तो क्या ये जुडिशियेबल है कोर्ट में जाकर, इसके लिए जो है आप कोर्ट से मांग सकते हैं कि भाई हमको हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो हाँ, ये जुडिशियेबल है, इसे आप कोर्ट से जाकर जो है आप रेमेडी मांग सकते हैं। इसीलिए आपको दिया गया क्या, आर्टिकल 32 दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 दिया गया जिससे जो आपको ये अधिकार मिलता है। ठीक है, और हाई कोर्ट के लिए 226 दिया गया है। एक मिनट, नेक्स्ट क्या है आपका कि पार्ट फोर की बात कर रहे हैं। पार्ट फोर में क्या है, पार्ट फोर आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है और इसमें डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। डीपीएसपी के बारे में चर्चा है। फिर अभी आपको चर्चा की गई थी पार्ट फोर ए स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इसके तहत जो है इसको ऐड किया गया था, ओरिजिनली जो है 10 थे, आज 11 हो चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट फोर ए आर्टिकल 51 है। ये देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 51 है, यहाँ पर 51 ए है। 51 में साफ साफ कहा गया है कि भारत इंटरनेशनल पीस के लिए कोऑपरेट करेगा और इसके तहत ही हम जो है यूएन में अपने सोल्जर्स को भेजते हैं, यूएन के मिशन पर अपने सोल्जर्स को भेजते हैं लड़ने के लिए। ठीक है, तो 51 ए से कन्फ्यूज मत होइएगा, 51 ए जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। पार्ट फाइव में क्या है, पार्ट फाइव जो है ये आपका 52 से लेकर 151 तक चलता है। इसमें यूनियन के बारे में चर्चा है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, तो सबसे पहले यूनियन के एग्जीक्यूटिव के बारे में चर्चा होगी। इसमें आपका जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसकी पूरी चर्चा होगी। ठीक है, फिर आपका जो है लेजिस्लेचर के बारे में चर्चा होगी। लेजिस्लेचर जो है आपका ये आपका 75 से चालू हो जाएगा आर्टिकल, और यहाँ पे फिर आपका जो है पहले राज्यसभा की चर्चा होगी, लोकसभा की चर्चा होगी, फिर स्पीकर के बारे में होगा, ये सब चीज़ें होंगी, और फिर लास्ट में आएगा आपका जो है जुडिशरी के बारे में। ठीक है, जुडिशरी के बारे में, और जुडिशरी के बारे में कहाँ से, तो आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक जो जुडिशरी चलेगा, और फिर लास्ट में कैग, कैग जो है आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक कैग चलेगा, और इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा आपका पार्ट फाइव। चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे, इस तरह से इसमें पार्ट फाइव में यूनियन के बारे में। तो जो चीज़ यूनियन होगा सेम उसका काम फिर जो है स्टेट के बारे में होगा, तो वो पार्ट सिक्स में दिया गया है। चलिए देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। पार्ट सिक्स में जो है पूरा स्टेट के बारे में दिया गया, 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है, तो सेम वैसे ही लेकर के पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में होगा, फिर जो है आपका लेजिस्लेचर के बारे में दिया गया होगा, और फिर जुडिशरी, जुडिशरी यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट में 214 से लेकर के जो है 232 या 33 है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 33 है, ये हाई कोर्ट हो जाएगा, और फिर लोअर जुडिशरी जो हो जाएगी वो 233, ये 232 होगा। ठीक है, आर्टिकल 14 से 32 होगा और 233 से लेकर 237 जो है ये आपका जो है लोअर जुडिशरी होगी। ठीक है, जो कि आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से चालू करके और नीचे तक जो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो है इसकी चर्चा जो है इसमें पार्ट सिक्स में की गई है। ठीक, पार्ट सेवन में क्या है, पार्ट सेवन को रिपील कर दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट सेवन अब कोई पार्ट नहीं है। पार्ट एट पे आते हैं, पार्ट एट में जो है 239 से लेकर के 245 तक है, इसमें यूएन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं। यहीं पे हमेशा बात होती है ना, जब कहते हैं कि आर्टिकल 239 के तहत जो यूएन टेरिटरी का जो है होल पावर दी गई कि इसका, उसका जो है एक ही बंदा है, वो कौन है, वो है प्रेसिडेंट है। ठीक है, यूएन टेरिटरी किसके अंडर में आती है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के अंदर में आती है, और वो अपने बिहाफ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो है उसको क्या बोल सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल सकते हैं, या फिर जो है आपका ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये नियुक्त किया करता है कहाँ पे, यूनियन टेरेटरीज़ की जो है उसके लिए, यूनियन टेरेटरीज़ को देख रेख करने के लिए। ये यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है यूनियन टेरेटरीज़ का कौन है, प्रेसिडेंट है, सब कुछ उसका है। इसलिए दिल्ली के जहाँ में दो जगह, दिल्ली और पुडुचेरी के जो
प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट इनको जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है सीएम्स को, ठीक है। और यही दो यूनियन टेरेटरीज हैं जहाँ पर क्या है आपका, जहाँ पर जो है आपका लेजिस्लेचर है, मतलब कि सीएम होते हैं। पार्ट नाइन में क्या है, पार्ट नाइन जो है आपका 243 से 243 ओ है, 243 से लेकर 243 ओ। इसमें क्या है आपका पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज जितने भी, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायती राज जो है पूरा पूरा जो है 243 से लेकर 243 ओ, इसको इंडिविजुअली अच्छे से पढ़ेंगे, इसके आर्टिकल पूछता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं पार्ट नाइन। पार्ट नाइन ए क्या है, 243 पी से लेके 245 जेड सी, याद रखिएगा नाइन और नाइन ए दो के दोनों जो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए हैं, ओरिजिनली ये नहीं थे, 1992 में इनको ऐड किया गया। पार्ट नाइन ए 245 पी से लेके जेड सी तक, ये म्यूनसिपालिटीज इसमें आते हैं यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। और फिर ये 2011 में ऐड किया गया था आपका क्या, तो ये जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कि कोऑपरेटिव्स, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी, और उसके लिए जो है क्योंकि 2011 क्या था, यूनाइटेड नेशन ईयर अब जो है कोऑपरेटिव्स था, ठीक है, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए कि हम भी बढ़ावा दे रहे हैं, इंडिया ने इसको ऐड किया था पार्ट नाइन बी में। पार्ट टेन क्या है, तो ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के बारे में जो है आर्टिकल 244 से 244 ए तक दिया गया है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये पार्ट टेन में याद रखिएगा। तो फिर से रिवाइज मान लेते हैं क्या क्या है, वन में यूनियन यूनियन और उसके टेरिटरी, टू में सिटीजनशिप दिया गया है, थ्री में फंडामेंटल राइट, फोर में क्या किया गया, तो फोर में जो है आपका, फोर में जो है डीपीएसपी किया गया, ठीक है। फाइव में क्या है, तो फाइव में जो है आपका यूनियन है। सिक्स में क्या है, तो सिक्स में जो है स्टेट के बारे में है। सेवन क्या है, ख़त्म हो चुका है। आठ क्या है, तो आठ में जो है आपका जो है यूनियन टेरिटरीज है। नौ में क्या है, तो नौ में जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और नौ के ए में जो है आपका अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपालिटीज, और नौ के बी में जो है आपका कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद दस में क्या है, तो दस में जो है ट्राइबल एरियाज, ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, ये दोनों जो है आपका दस में है। यहाँ तक क्लियर है, अब आगे बढ़ें, चलिए आगे चलते हैं। इलेवंथ में देखते हैं, इलेवंथ में क्या है, इलेवंथ में आर्टिकल 245 से लेकर 263 का आएगा। अब स्टेट पढ़ लिया, सेंटर पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो अब तो उनके बीच इंटरनल रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन बिटवीन जो यूनियन एंड स्टेट जो है ये कहाँ पे है, 245 263, बहुत बार इसके आर्टिकल पूछा है। आर्टिकल 249 क्या है पूछा है, 250 क्या है पूछा है, 252 क्या है पूछा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्टली पूछा है, यूपी पीसीएस ने तो बहुत पूछा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो है कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं, तो एक तो आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन होगा, एक आपका क्या होगा, एक आपका जो है फाइनेंशियल रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होगा, तो ये सब जो रिलेशन किसमें डील करता है, पार्ट 11 में डील करता है, ठीक है। 11 245 से लेकर 263 है, ठीक है। 12th में क्या आएगा, 12th में जो है आपका, 12th में आएगा 264 से लेकर 300 ए तक, इसमें जो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, बोल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। 11 याद रखेगा जो है रिलेशन बिटवीन इतना है, ये एग्जैक्टली याद रखें, जो बस इतना है। 11 में क्या है आपका यूनियन स्टेट का जो है रिलेशन दिया गया। पार्ट 13 में क्या है, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स, इंटरकोर्स विद इन जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये सब जो है पार्ट 13 में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाए इसको। पार्ट 14 में क्या है, सर्विस अंडर जो यूनियन स्टेट, ठीक है। एक चीज़ आप देख रहे हैं, 308 से लेकर 323 है, इसी के बीच में 312 आएगा और इसी के बीच में 315 आएगा। 315 में जो है आपका यूपीएससी के बारे में, और फिर जो है स्टेट पीएससी के बारे में 315 में दिया गया है, और 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में दिया गया, आईएएस आईपीएस और जो है आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो ये तीन चीज़ें यहाँ दिए गए, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपको याद रखिएगा, पार्ट 14 से जो है आपका सर्विस अंडर जो यूनियन और स्टेट के बारे में जो सर्विस है वो पार्ट 14 है, ठीक। पार्ट 14 ए में क्या है, पार्ट 14 ए में ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल कैसे आपके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, और ये सब ट्रिब्यूनल जो बनाए गए हैं कोर्ट का, मतलब कि कोई ट्रिब्यूनल और कोर्ट में अंतर क्या था, कोई स्पेसिफिक काम के लिए जो है कोई स्पेसिफिक चीज़ दी गई कि यही काम आपको करना है, तो उसके लिए जो है कोई ट्रिब्यूनल जो बनाए, ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, और कोर्ट हर एक चीज़ को देखता है, ठीक है। तो आपका 14 ये याद रहेगा, इसको याद रखना है आपको, दोनों पार्ट बहुत काम आएगा। पार्ट 15 याद रखना है, 15 में पार्ट में क्या, 14 में यूपीएससी हो गया, सिंपल सा, ठीक है, आपको याद रहेगा कि ठीक है यूपीएससी होगा, सर्विस अंडर जो है यूनियन और स्टेट हो जाएगा। 14 ए में जो ट्रिब्यूनल्स हो गया, 15 तुरंत आएगा, 15 में इलेक्शन हो जाएगा, 324 के आसपास है। 15 में क्या है आपका, 15 में इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर चालू होता है, ये इलेक्शन हो गया, ठीक है। फिर 16 में क्या है, 16 जो है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन जो होगा, ठीक है, इसी में जो है आपका 330 से 342 है, तो मतलब जो है 338, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, 339, 340, 341, 342 सब पूछा है, ठीक है।
तो अभी जैसे कि ओबीसी के में सब कैटेगराइजेशन करने के लिए एक आयोग बना है, तो किस जो है आर्टिकल से बना है, क्या चीज़ें हैं वो, फिर जो है आपका ये एससी कमीशन बना था, एसटी कमीशन बना था, ये सब जो है किस आर्टिकल के तहत बने थे, कभी बटा क्या क्या चीज़ें हुई, 338 का ए क्या है, 338 क्या है, ये सब चीज़ें ठीक है। तो ये सब जो है इसी में दिया गया है। इस तो सर्टन क्लासेस के लिए जो स्पेशल प्रोविजन जो थे वो कौन सा है, वो 16 में है। तो आपको 14 याद हो गया, 14 में क्या है आपका स्टेट और स्टेट और इसके लिए यूनियन के लिए जो सर्विसेज के लिए, मतलब यूपीएससी और स्टेट पीएससी आ जाएगा। फिर आपको 15 में इलेक्शन हो गया और 16 में हो गया कि रिजर्वेशन और रिजर्व, जितने जो प्रोविजन दिए गए हैं स्पेशल क्लास जो है वो आपका 15 में दिया गया है, वो आपका 16 में दिया गया, क्षमा कीजिएगा, 15 में जो है इलेक्शन है 16 में ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक, 11 में क्या था, 11 में जो है हमने पढ़ा था कि 11 में जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन था, 12-13 भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं, 14-15-16 फिर से याद करिए कि वहाँ पे यूपीएससी, वहाँ पे जो है इलेक्शन और वहाँ पे जो है स्पेशल क्लास के लिए वो कुछ प्रोविजंस है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जो है ये 16 हो गया। 17 में क्या है, 17 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो है कोर्ट की भाषा जो है इंग्लिश होगी, ये सब चीज़ें, प्लस दो राज्य आपस में जो है संवाद करेंगे तो उनकी भाषा क्या होगी, स्टेट और राज्य संवाद करेगा तो उसकी भाषा क्या होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ दिया गया, तो ये जो आपका ये 17 में दिया गया है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, 14 याद रखना है, 15 याद रखना है, 16 याद रखना है, 17 में जो है लैंग्वेज दी गई है। ठीक है, 43 से लेकर 51 तक, और ये फिर 18 भी आपको याद रखना है, 17 फिर 18, 14 से लेकर 18, देखिए 14 से 18 आपको याद रखना है, 14 से 18 पूरा आपको याद रखना है। 18 में क्या है आपका, 18 में इमरजेंसी प्रोविजन्स है, तीन तरह की इमरजेंसी होती हैं, एक 352 से, एक 356 से, और एक 360 से। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी, ये राष्ट्रपति शासन होगा, और ये जो है नेशनल इमरजेंसी होगी, तीन चीज़ें होगी। ठीक है, तो ये आपका 18 पार्ट 18 में जो क्या इमरजेंसी प्रोविजन्स दिए गए हैं। इसके बाद जो है आपका पार्ट 19 में क्या है, मिसलिनियस है, कोई ज़रूरत नहीं, आप याद रखिए, भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पार्ट 20 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, 20 में आपका अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, 21 में क्या है टेम्प्रोरी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजंस, कोई ज़रूरत नहीं भूल जाइए। पार्ट 22 में जो शॉर्ट टाइटल, टाइटल क्या होगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहीं दिया गया है। अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी, हिंदी में जो है इसका जो है पूरा जो है, जो हिंदी में इसका अनुवाद है वो खुद अपने आप में अथॉरिटेटिव टैक्स होगा। ठीक है, कमेंसमेंट इसका कब से होगा, ये सारी चीज़ें, ये जो है 26 जनवरी से जो है इसको कमेंस किया जाएगा, 26 जनवरी 1950 से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कहाँ, ये आपका 22 में दिया गया। तो इधर आपको क्या क्या आर्टिकल 10 तक हमने भी रिवाइज किया था, 11 में आपको क्या है, तो यहाँ देखिए सी सेंट्रल स्टेट और यहाँ पर रिलेशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल रिलेशन, ठीक, तो और उसका 12-13 भूल जाइए। 14 में क्या है, तो 14 में आज आपका जो है यूपीएससी लिख दे रहे हैं, इससे आपको याद रहेगा कि यूनियन के अंदर में और स्टेट के अंदर में सर्विसेज, यूपीएससी और यूपीपीएससी। ठीक है, 15 में क्या हो गया, तो 15 में आपका जो है इसके बाद जो है इलेक्शन आ जाएगा, और इसी में ट्रिब्यूनल भी 14 में ही आएगा, ट्रिब्यूनल्स भी जो है 14 में ही आएगा, इलेक्शन जो है आपका यहाँ आ गया। 16 में क्या आ जाएगा, 16 में जो है स्पेशल प्रोविजन सर्टन क्लास के लिए जो है यहाँ पे है। 17 में क्या है, तो 17 में जो है आपका लैंग्वेज है, भाषा के बारे में 17 है। 18 में क्या है, तो 18 में जो है इमरजेंसी प्रोविजंस है, इसमें आपकी तीन तरह की इमरजेंसी होगी, 52 से लेकर 60 तक, आर्टिकल यहाँ पे मस्ट है आपको याद रखना, 52-56-60। और 19 कोई नहीं, 20 में क्या है, तो 20 में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा, आर्टिकल बाय हार्ट होना चाहिए, 368 के तहत जो अमेंडमेंट होता है, ठीक, 368 के तहत अमेंडमेंट जो है कैसे होगा। 21 भूलिए, 22 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर जो है हिंदी में जो टैक्स लिखा जाएगा इसका ट्रांसलेशन होगा वो भी उतना ही अथॉरिटेटिव होगा। ठीक है, और कमेंसमेंट इसका कब से होगा, ये सारी चीज़ें जो 22 में लिखेंगे। तो ये जो था आपके सारे जो है पार्ट्स के बारे में, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, इन सबको इंडिविजुअल पढ़ेंगे, इस तरह से आपको मोटा आइडिया रहेगा तो आपको क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो चलिए ये खत्म कीजिए, फिर शेड्यूल के लिए अगले लेक्चर पर आते हैं, चलिए।